सोचें तो लीडर की तरह, एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको नहीं खींचते हैं, बल्कि आपके नीचे वाले आपको उठाते हैं, यानी कि वे लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है, और इस सहयोग को हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता, यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वे बिना आपकी लीडरशिप के ना कर पाएँ, साथ साथ चलती है। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं वे आपको लीडरशिप क्षमता विकसित करने में बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर हम चार खास लीडरशिप सिद्धांतों या नियमों को बताना चाहेंगे जो आपको लीडर बनवा सकते हैं, बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में, हर जगह। यह चार लीडरशिप सिद्धांत या नियम हैं। नंबर एक, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। नंबर दो, सोचें इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। नंबर तीन, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। नंबर चार, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोज़मर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमयी शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा किस तरह होता है। लीडरशिप नियम नंबर एक, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रियों से चीज़ों को देखें। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण या नज़रिए से चीज़ों को देखना वह जादुई तरीका है जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों के नज़रिए से देख सकें तो आप उनसे जो चाहें करवा सकते हैं। यह कैसे होता है, इन दो उदाहरणों में देखें। टेड भी एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविज़न कॉपीराइटर और डायरेक्टर था। जब एजेंसी को बच्चों के जूतों का विज्ञापन लिखवाना था तो टेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जूतों का टीवी विज्ञापन तैयार करे। विज्ञापन अभियान के एक महीने बाद यह समझ में आ गया कि विज्ञापन से कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ था, जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जाहिर था कि इसका दोष टीवी विज्ञापनों पर मढ़ा जाता, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में सिर्फ टीवी पर ही विज्ञापन दिए गए थे। टेलीविज़न दर्शकों के सर्वे से पता चला कि लगभग 4% दर्शकों की राय में यह बेहतरीन विज्ञापन था। इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% या तो इस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे या फिर उन्हें यह विज्ञापन पसंद नहीं आया था। सैकड़ों बातें कही गई, यह भी कोई विज्ञापन है, ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 3 बजे न्यू ऑर्लियंस बैंड बज रहा हो। मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन पसंद आते हैं, परंतु जब यह जूते वाला विज्ञापन आता है तो वे बाथरूम में चले जाते हैं या फ्रिज खोल लेते हैं। मुझे लगता है यह थोड़ा हाई क्लास विज्ञापन है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। जब इन सभी साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया तो एक दिलचस्प बात पता चली। जिन्हें विज्ञापन बेहद पसंद आया था वे 4% लोग आय, शिक्षा, रुचि और क्षमताओं में टेड जैसे ही थे। बाकी 96% इससे भिन्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के थे। टेड के विज्ञापन जिनकी लागत लगभग $20,000 थी इसीलिए असफल हो गए थे, क्योंकि टेड ने सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में सोचा था। उसने उसी तरीके से विज्ञापन तैयार किए जिस तरीके के विज्ञापन वह खुद देखना चाहता था। उसने उस तरीके के विज्ञापन तैयार नहीं किए जिस तरीके के विज्ञापन बहुसंख्यक जनता देखना चाहती है। उसने ऐसे विज्ञापन तैयार किए जो उसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते हों। अगर टेड ने दूसरों के नज़रियों को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती तो परिणाम कुछ और ही होता। उसे खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता तो मैं किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने बच्चे के लिए यह जूते खरीदता। अगर मैं बच्चा होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए। जॉन रिटेलिंग में असफल क्यों हुई?
जॉन 24 साल की आकर्षक, उच्च शिक्षित और बुद्धिमान युवती है। कॉलेज से निकलते ही जॉन ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में असिस्टेंट बायर की नौकरी कर ली। रेडीमेड कपड़ों के इस डिपार्टमेंट स्टोर में कम कीमत से लेकर मध्य कीमत का सामान मिलता था। जॉन की सिफारिशी चिट्ठियों में उसकी बहुत तारीफें की गई थी। जॉन में महत्वाकांक्षा है, प्रतिभा है, उत्साह है। एक पत्र में लिखा था, वह निश्चित रूप से काफ़ी सफल होगी। परंतु जॉन काफ़ी सफल नहीं हुई। जॉन केवल 8 महीने ही वहाँ काम कर पाई और फिर उसने रिटेलिंग छोड़कर दूसरी नौकरी कर ली। मैं उसके बॉस को अच्छी तरह जानता था और मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या था। जॉन बहुत ही बढ़िया लड़की है और उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं, उसने कहा, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी भी है। वह क्या, मैंने पूछा। जॉन ऐसा सामान खरीदती थी जो उसे पसंद था, परंतु हमारे ज़्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं था। वह अपने पसंद की स्टाइल, कलर, मटेरियल और कीमत वाला सामान चुनती थी। वह हमारे ग्राहकों के नज़रिए से नहीं सोचती थी। एक बार जब मैंने उसे कहा कि शायद वह सामान हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो वह कहने लगी, नहीं, जनता को यह बहुत पसंद आएगा, मुझे तो यह बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि यह खूब बिकेगा। जॉन एक समृद्ध परिवार में पली बड़ी थी। उसे बचपन से क्वालिटी की कद्र करना सिखाया गया था। कीमत का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था। जॉन गरीब या मध्यवर्गीय लोगों के हिसाब से नहीं सोच पाती थी, जिनके लिए कपड़े खरीदते समय कीमत भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो माल जॉन ने खरीदा उसे जनता ने पसंद नहीं किया। असली बात यह है, दूसरे लोगों से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए आपको उनके नज़रिए से देखना पड़ेगा। जब आप उनके नज़रिए से देखते हैं, तो आप यह समझ जाएंगे कि किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। मेरे बहुत ही सफल सेल्समैन मित्र ने मुझे बताया कि वह प्रस्तुति देने से पहले काफ़ी समय तक यह सोचता है कि ग्राहक उसकी प्रस्तुति को किस तरह से लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उस अपने श्रोताओं का नज़रिया समझने वाला वक्ता ज़्यादा रोचक, ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अपने कर्मचारियों का नज़रिया समझने वाला बॉस अपने सुपरवाइजरों से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करवा लेगा। एक क्रेडिट एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि इस तकनीक से उसे किस तरह फ़ायदा हुआ। जब मैं इस स्टोर में असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के बतौर आया था, मुझे वसूली का काम सौंपा गया। यह कपड़ों का स्टोर था। यहाँ पर वसूली के लिए जिस तरह के पत्र लिखे जाते थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी और निराशा हुई। इनकी भाषा कठोर, अपमानजनक और धमकाने वाली थी। मैंने उन्हें पढ़ा और सोचा, बंधु, अगर कोई मुझे इस तरह की चिट्ठी लिखे तो मैं गुस्से से आग बबूला हो जाऊँगा। मैं कभी अपना हिसाब साफ नहीं करूँगा। इसलिए मैं काम में जुट गया और मैंने अलग तरह के पत्र लिखना शुरू कर दिया। उस तरह के पत्र जो अगर मुझे लिखे जाएं, तो मैं अपना हिसाब साफ करने के लिए प्रेरित हो सकूं। इससे बहुत फ़र्क पड़ा। अपने बिल न चुकाने वाले ग्राहक के नज़रिए से देखने से हमारा वसूली अभियान बेहद सफल हुआ और कुछ ही समय में हमने वसूली का कीर्तिमान बना दिया। बहुत से राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मतदाताओं के नज़रिए से खुद को देखने में असफल होते हैं। राष्ट्रीय पद के लिए एक राजनीतिक उम्मीदवार जो किसी भी तरह अपने प्रतिद्वंद्वी से दूसरे किसी बात में पीछे नहीं था, केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उसने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जो इसके थोड़े से मतदाताओं की समझ में ही आ पाई। दूसरी ओर उसके प्रतिरोधी ने मतदाताओं की रुचियों का पूरा ध्यान रखा। जब वह किसानों से बात करता था तो उनकी भाषा बोलता था, जब वह फैक्ट्री के मजदूरों से बात करता था तो उनकी भाषा में बात करता था, और जब टीवी पर बोलने की बारी आती है तो उसने जिस मतदाताओं को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया, वह आम मतदाता था, न कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। खुद से यह पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। इस प्रश्न की मदद से आप ज़्यादा सफल नीति बना सकते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए उसके नज़रिए से सोचने का विचार हर स्थिति में सफल होता है। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कभी न उड़ने वाला फ्यूज़ बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। यह शानदार है, उसने कहा, हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि फ्यूज़ लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है, और लोग जब फ्यूज़ खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ता फ्यूज़ खरीदना चाहते हैं।
सलाहकारों ने ये सलाह दी, क्यों नहीं इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज़ को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चला गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या यह थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज़ को अपनी नज़र से देखा। $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज़ को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी $9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इसका पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं उनके नज़रिए से देखने की कला विकसित करें। नीचे दिए गए अभ्यासों से आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। दूसरों के नज़रिए से देखने का अभ्यास कैसे करें? 1, स्थिति। किसी को काम के बारे में निर्देश देना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से इसका प्रश्न पूछें, अगर मैं काम पर नया होता तो क्या इस तरह के निर्देश से मैं पूरी तरह समझ जाता कि मुझे क्या करना है। जब हम किसी को निर्देश दें तो ये भी समझें कि क्या सामने वाला ये समझ पाएगा निर्देश हमारा। 2, विज्ञापन लिखना। परिणाम के लिए पूछें, अगर मैं आम खरीदार होता तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी क्या राय होती। 3, टेलीफोन मैनर्स। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो टेलीफोन पर मेरी आवाज़ और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते। 4, तोहफा। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, क्या यह तोहफा मुझे पसंद है या यह तोहफा सामने वाले को पसंद आएगा। अक्सर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। 5, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ। जिस तरह के आदेश मैं देता हूँ, अगर मैं कर्मचारी होता तो क्या मैं इस तरह के आदेशों का खुशी खुशी पालन करता, ये अपने आप से पूछें। 6, बच्चों का अनुशासन। अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। 7, मेरा हुलिया। अगर मेरी जगह मेरा सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता तो क्या मैं उसके बारे में क्या सोचता। 8, भाषण तैयार करना। श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा यह वाक्य ठीक रहेगा। भाषण की हर एक लाइन लिखने से पहले ये सोचें। 9, मनोरंजन। अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता। ये सब सवाल हैं जिन्हें आप अपने से खुद से पूछ सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ परिणाम पा सकते हैं। दूसरों के नज़रिए से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं? 1, सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियाँ, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। 2, अब खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हों। 3, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। इससे आगे का सुनने के लिए आप हमारा 13B वीडियो देखें। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।